हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल CKS लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है वो MSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी से है, पेपर 4 पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज। आज के इस लेक्चर में फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होता है उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर या स्पीसीज के अंदर क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनका रिलेशनशिप कितना है, जितना इवोल्यूशन हुआ है क्या क्या रिलेशन है उसका ये फाइलोजेनेटिक ट्री से देखते हैं। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री का, फाइलोजेनेटिक ट्री एक ऐसी ट्री होती है जो स्पीसीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है। टाइप्स समझते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री के कितने टाइप्स के होते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री उसको समझते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है अनरूटेड ट्री। अनरूटेड ट्री में कॉमन एंसेस्टर क्या है उसका पता नहीं होता। एक इवोल्यूशनरी पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से इमर्ज हो रही है, तो इसमें वो पॉइंट नहीं है।
जैसे मान लेते हैं कि ये ए बी और सी है, इन तीनों के बारे में नहीं पता कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा किससे इवॉल्व हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में नहीं पता। बट अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हेल्प से ये सब पॉसिबल है। सारी जो रिसर्चेस होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, वो ये सब अनरूटेड ट्री का इवोल्यूशन भी निकाल पाते हैं। सेकंड है रूटेड ट्री। रूटेड ट्री में हमें कॉमन एंसेस्टर मालूम होता है, पता होता है कि कहाँ से ये जो इवोल्यूशन है वो इमर्ज हो रहा है। ये एक रोटेड ट्री है जहाँ हमें कॉमन एंसेस्टर पता है। इस रोटेड ट्री में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सबसे एंड के पॉइंट होते हैं, उसे टर्मिनल एंड से कहते हैं। इसको माप कर देते हैं ए बी सी डी ई। ये अलग अलग स्पीसीज है, ए अलग स्पीसीज है, बी अलग, सी अलग, डी अलग और ई अलग। बट इसकी कॉमन एनसेस्टरी एक्स है। इसमें एक इंटरनल नोड सा होता है, इससे ये पता चलता है कि जो बी एंड सी है क्लोजली रिलेटेड है, डी एंड ई अपने आप में क्लोजली रिलेटेड है,
जैसे मान लेते हैं डी एंड ई का जो इंटरनल नोड है उसे आई वन से दर्शाते हैं और जो बी एंड सी का इंटरनल नोड से है उसे आई टू से दर्शाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डी एंड ई है आई टू से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डी एंड ई को देखें तो ये ज़्यादा क्लोज है और डी एंड बी को देखें तो ये लेस क्लोज है। ये इंडिकेट करता है कि इनमें क्लोजनेस उनकी कम है। वैसे ही ए एंड ई को देखें तो ई का एक खाली एक एंसेस्टर है, जैसे कि ई ए एंड सी जो है डिस्टिनक्टली रिलेटेड है बट डी एंड सी क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। ये जो कनेक्शन है इंटरनल नोड्स का यही दिखाता है और ये जितने भी सारे स्पीसीज है ये कॉमन एनसेस्टर से आए हैं। अब मैं जो समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ।
ये एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का फाइलोजेनेटिक ट्री है। आप लोग इसको भी ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।